नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। भर्तियों की एक तरह से भरमार लग गई है और एक तरह से आप भी कह सकते हैं कि केंद्र सरकार चुनाव के लिए एकदम तैयार में है। और उसी तरह जैसे हर बार केंद्र सरकार का जो लोकसभा का चुनाव होता है उसमें जब भी आता है तो सबसे बड़ी भर्ती कौन सी है, सबसे बड़ी भर्ती आपकी रेलवे की है। तो इस बार भी आपके कहीं ना कहीं चुनाव से पहले रेलवे की अच्छी खासी भर्ती आपको देखने को मिलेगी। इससे रिलेटेड एक नोटिस जारी कर दिया गया है जिसमें आपके कांस्टेबल और एसआई, आरपीएफ के कांस्टेबल एसआई की भर्ती जल्द आपको देखने को मिलेगी। और ये जहां तक चांसेस हैं कि दिसंबर से पहले ही आपको ये भर्ती देखने को मिल जाएगा जो नोटिस में दिया गया है। इसके बारे में मैं डिटेल बता दे रहा हूं कि आपको क्या एलिजिबिलिटी चाहिए। अगर बच्चे आप लोगों को आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है और बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहा है तो कोई भी तैयारी एक या दो महीने में नहीं होती है। तो ऑलमोस्ट कम से कम आपको अगर उसमें महारत हासिल करना है तो 6 महीना पहले से आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा। तो कौन कौन से बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं, आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के फॉर्म को, वो जान लें कि क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए, कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं, उसके बारे में भी बता दूंगा। पहले मैं नोटिस के बारे में बताऊंगा और उससे पहले जितने लोग चैनल को देख रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। तो अगर हम बात करें कि जो नोटिस आई है, आप देखिए रेलवे के द्वारा नोटिस जारी किया गया और इस पर जल्द ना जल्द कार्रवाई की जाएगी। यहां पर बोला गया है, आपको यह क्लियर दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा ब्राइटनेस कम कर दे रहा हूं, ठीक है, ये ब्राइटनेस कम हो गया, आप लोगों को अब दिख रहा होगा। यहां साफ साफ बोला गया है, आप जब नोट करोगे तो यहां आपको लिखा गया है कि अप्रोपस अबव इट्स, थोड़ा सा डार्क है, हाँ हाँ, बोला गया डेट द रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव एंड कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव, मतलब एसआई और कांस्टेबल की वैकेंसी के बारे में बात किया जा रहा है। और देख रहे हो यहां लिखा क्या है, रेलवे बोर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। इज टू बी इनिशिएटेड, द लास्ट रिक्रूटमेंट वाज कंडक्ट इन 2018, मतलब इससे पहले जब भर्ती आई थी वो 2018 में आई थी। टर्म्स ऑफ आरपीएफ डायरेक्टरी 43 बाई आरपीएफ इटसेल्फ, जिसको आरपीएफ ने कराया था। हाउएवर इन द एग्जिस्टिंग सिनेरियो आरआरबी इज बीइंग endowed with the responsibility of completing the first phase of recruitment which include calling of applications, मतलब यहां बोला गया है कि जो पहला फेज होगा वो आरआरबी आपका जो applications मांगा जाएगा उसका पूरा scenario वही काम करेगी, screening मतलब जो applications आए हैं उसको छांटना, ठीक है। उसके बाद एजेंसी का हायरिंग, जो भी आपका एजेंसी होगी किसके द्वारा आपका फर्स्ट फेज कराया जाएगा ये सभी काम, और कंडक्टिंग सीबीटी एसेट्रा, ये सभी कार्य कौन करेगी, आरआरबी करेगी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड करेगी आपकी। उसके बाद से सेकेंड फेज बोला गया है, सेकेंड फेज वुड बी अ कंप्लीटेड बाई आरपीएफ इटसेल्फ, जो दूसरा फेज होगा जिसमें आपका कहीं ना कहीं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है और मेजरमेंट टेस्ट होता है, ये आपके जो फेज होंगे वो आपको कौन करेगा, ये आरपीएफ कंडक्ट कराएगी। तो उसी के बारे में यहां पर देख लीजिए, पूरा ये नोटिस जारी किया गया है और बोला गया है साफ साफ यहां पर, द कमिटी इज रिक्वेस्टेड टू काइंडली कंप्लीट द एक्सरसाइज एट द अर्लिएस्ट एंड सबमिट मॉडिफाइड ड्राफ्ट डायरेक्टिव 43 बाई 16/10/2023, मतलब 16 अक्टूबर तक आपको पूरा इसका ड्राफ्ट बना के दे देना है। बहुत ज्यादा समय नहीं दिया, मतलब 16 अक्टूबर तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं मिड नवंबर में आपको यह भर्ती देखने को मिल जाएगी। तो जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं एकदम लग जाइए, और टीम परीक्षा प्लस के द्वारा एकदम बेहतरीन बैच आपका कांस्टेबल और एसआई का चलाया जाएगा। और आप सभी परीक्षा प्लस एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लें, वहां पे आपको आरपीएफ का बैच दिख जाएगा जहां से आप एसआई और कांस्टेबल दोनों की तैयारी कर सकते हैं। बस लेबल में आपका डिफरेंस है, सिलेबस आपका ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है, नंबर क्वेश्चंस के लेवल में डिफरेंस रहेगा लेकिन सिलेबस, कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ये सभी चीजें सेम है, मैं अभी आपको दिखा दूंगा, ठीक है। तो ये तो रहा कि क्या नोटिस में बोला गया है, तो ये कांस्टेबल और एसआई की भर्ती जल्द आने वाली है, आप सभी लोग तैयार हो जाएं। जितने लोग
कांस्टेबल और एसआई के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे, जैसे यूपीएसआई हो गया, कांस्टेबल हो गया, इनका वेट कर रहे थे। सेम आपका सिनेरियो इसके साथ भी बन रहा है, बस यहां पर चीजें क्या अलग हो जाती हैं, बस आपका एक हिंदी लैंग्वेज हो जाता है, वो अलग हो जाता है, बाकी आपका पूरा सिलेबस यूपी कांस्टेबल वाला ही ऑलमोस्ट रहता है। सिक्किम मैथ रीजनिंग और जीएस तो सिलेबस सब सेम ही रहता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें कि अगर आपको एसआई बनना है रेलवे में तो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी आपको रखनी पड़ेगी, तो यहां साफ साफ लिखा है कि इंडिया का सिटीजनशिप होना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इंडिया का क्या होना चाहिए, आपका सिटीजनशिप होना चाहिए, यहां पर साफ साफ बोला गया है सिटीजन ऑफ इंडिया। उसके बाद कैंडिडेट इन हूज केस सर्टिफिकेट एलिजिबिलिटी इज नेसेसरी मे बी एडमिटेड टू द एग्जामिनेशन ऑफर अपॉइंटमेंट में बी गिवन ओनली आफ्टर द नेसेसरी एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट बीन इशू हिम। अब यहां पर क्या है, एसआई के लिए जो है आपका ग्रेजुएट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए, सिंपल सा बात है। यहां पर लिखा हुआ है क्या, डिग्री फॉर्म रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव सेल ओनली वैलिड दोज वेटिंग रिजल्ट ऑफ फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ द प्रिस्क्राइब एजुकेशन डिस्क्वालिफिकेशन शुड नॉट बी अप्लाई। मतलब जो वेटिंग में होंगे अपना वो अप्लाई नहीं कर सकते, बाकी ये पुराने नोटिफिकेशंस है, नए नोटिफिकेशन में क्या चेंज होगा उसका नहीं, लेकिन एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। आप अगर ग्रेजुएट हो जैसे एसआई का होता है वो, अब एज क्या होनी चाहिए, एसआई के लिए जो एज होनी चाहिए वो यहां पर देखिए ग्रेजुएट तो लिखा है, ग्रेजुएट होना चाहिए और एज आपका मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम 25 साल। ये इन जनरल, अगर जनरल कोई बंदा है तो मिनिमम इसका 20 साल और मैक्सिमम 25 साल का एज होना चाहिए। इसमें छूट भी आपको मिलेगी, ऐसी बात नहीं है कि छूट नहीं मिलेगी, वो मैं छूट आपको दिखा दे रहा हूं। जैसे जो एज में छूट मिलेगी, एससी एसटी को 5 साल की मिलेगी, ओबीसी को 3 साल की मिलेगी, बाकी एक सर्विस मैन में यूआर ओबीसी, उसके बाद से नॉन क्रीमी लेयर एससी एसटी, उसके बाद से आपका कैंडिडेट हु हैव ऑर्डिनरी हैज बीन डोमिसाइल इन द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, ठीक है, उनके लिए आपका अलग से छूट है। सेंट्रल गवर्नमेंट इंप्लॉई है तो उनके लिए अलग से छूट है, तो विडोज डाइवोर्स वुमेन है तो उनके लिए अलग से छूट है। ये पूरा आपको एप्लीकेशन में दिया गया रहेगा, वो ध्यान रखिएगा। अब हम थोड़ा सा बात कर लें कि एसआई में जो आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होता है, ठीक है, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होता है, पीएमटी टेस्ट होता है, इसका एग्जाम जो है 3 कंडक्ट कराएगा, सीबीटी होगा, उसके बाद से पीईटी होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिर फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होता है। ये 3 फेज में आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। तो यह फिजिकल मेजरमेंट में क्या होता है कि जो यूआर और ओबीसी हैं उनकी जो मेल कैंडिडेट होंगे उनके हाइट जो होंगे वो 165, अब इसमें देखो क्या होता है, बदलाव होता है कि नहीं, ऑलमोस्ट यही होना चाहिए, इससे बदलाव नहीं, फीमेल का 157, एससी एसटी का 160 और कश्मीर गोरखा मराठा डोगरा के लिए 163 है, फीमेल का भी यहां पर दिया गया है। चेस्ट की बात किया जाए, चेस्ट इन सेंटीमीटर ओनली फॉर मेल, मेल के लिए ही चेस्ट होता है, फीमेल के लिए नहीं होता है, तो अनएक्सपेंडेड बिना फुलाए 80 होना चाहिए, फुला के 85 होना चाहिए, मतलब 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए आपका। 76.2 किसका होना चाहिए, एससी एसटी, और 81.2 फुलाने के बाद होना चाहिए, और जो गरवालीज हैं गोरखाज हैं उनका 80 और 85 होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं एक बार कि आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है, कैसे आपका चलता है। जैसे मैंने बताया, एक आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, सीबीटी होगा, फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिर मेजरमेंट टेस्ट होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ये प्रोसीजर होगा। अगर हम बात करें कि आपके एग्जामिनेशन में, ठीक है, कि आरपीएफ का एग्जाम सीबीटी मोड एग्जाम क्या होता है, तो सीबीटी मोड, या ये ध्यान रखिएगा, सीबीटी मोड आपका एग्जाम जो होगा उसमें जनरल अवेयरनेस सबसे ज्यादा पूछा जाएगा, 50 प्रश्न रहेंगे, इसमें स्टेटिक हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी आपके सब पूछे जाते हैं, और ये मिक्स होता है पूरा एकदम जम्बल रहता है। मैथ आपका जो ये अर्थमेटिक लिखा है ना, मैथ्स आपके 35 नंबर की, रीजनिंग आपकी 35 नंबर की, टोटल 120 प्रश्न 120 मार्क्स का होगा, और निगेटिव मार्किंग 1/3 होती है, ठीक है, निगेटिव मार्किंग यहां लिखा हुआ है, निगेटिव 1/3 होगा और 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होता है। उसके बाद से बोला है कि एज पर द आरपीएफ रिक्रूटमेंट पॉलिसी ऑल कैंडिडेट हु पास सीबीटी विल बी कॉल्ड फॉर द फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, अनलाइक सीबीटी नो मार्क्स आर अलॉटेड ड्यूरिंग दिस टेस्ट, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहां पर बाद उनको सभी को बुलाया जाएगा, फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आपका कंडक्ट कराया जाएगा, और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में 800 मीटर रन जो होगा वो महिलाओं के लिए होगा, 3 मिनट 40 सेकंड में 800 मीटर रन
महिलाओं को करना है, और 1600 मीटर का जो रन है 1.6 किलोमीटर की बात करें तो 5 मिनट 45 सेकंड, ये मैंने एसआई के लिए बता रहा हूं, कांस्टेबल के लिए अलग से बताऊंगा, ये 5 मिनट में आपको कवर करना है किसको, एसआई वालों जो कैंडिडेट होंगे। लॉन्ग जंप इनका 14 फीट का है और महिलाओं के लिए 9 फीट का है, और हाई जंप जो है इनका 4 फीट का है और महिलाओं का 3 फीट का है। तो ये आपके क्या हो गया, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट हो गया। इसके बाद जो आपका होता है वो फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, जो मैंने हाइट के बारे में बात किया था, तो हाइट वाला 165, इसका 160 और इनका 163 मांगा गया है, इस चीजों को ध्यान में रखिएगा, और फिर चेस्ट आपका मांगा गया है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अब इसके बाद से आता है कांस्टेबल, कांस्टेबल के लिए काफी बच्चे एलिजिबल होंगे जो आपके पास करते हैं, तो इनमें आपका जो एक तरह से बोला जाए एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा है वो आपका मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट मतला है, मतलब 10+2 आपका होना चाहिए एसएलसी और मैट्रिक बोर्ड फॉर्म रिक्वायर्ड बोर्ड, ठीक है, तो आपका 10th पास होना चाहिए, मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम आपका 25 साल मांगा है, ठीक है, इसका भी मैक्सिमम और उसका भी मैक्सिमम सेम है, और जो छूट है एज में ऑलमोस्ट वही रहेगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट के में होता है, ठीक है, ये चीजें ध्यान रखिएगा, ये कांस्टेबल का। अब कांस्टेबल में भी आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो रिटेन में सीबीटी मोड में आपके एग्जाम होगा वो दोनों का सेम होगा, यहां पर भी 50 क्वेश्चन, 35 35, 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स, 1/3 आपका निगेटिव होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ये कांस्टेबल का सीबीटी है, सीबीटी जब दे लेंगे तो सीबीटी के बाद आपका जो एग्जाम होगा वो आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, ये ध्यान रखिएगा। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आपका कांस्टेबल का 5 मिनट 45 सेकंड में आपको 1600 मीटर की दौड़ करनी पड़ती है, उसके बाद से 800 मीटर के लिए आप यहां पर नहीं है, ये 14 फीट लॉन्ग जंप है और हाई जंप 4 फीट है। कांस्टेबल फीमेल के लिए आपका 3 मिनट 40 सेकंड, 9 फीट और 3 फीट की आपकी यहां पर दिया गया है, ठीक है, ये फीमेल जो है 800 मीटर 3 मिनट 40 सेकंड में, और इनका लॉन्ग जंप 9 फीट का और हाई जंप 3 फीट का होगा, तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। और बाकी बात अगर हम बात करें फिजिकल की, तो फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट में आपका हाइट आपका वही है, ठीक है, उसके बाद से अगर हम बात करें चेस्ट की, तो चेस्ट भी आपका सेम एसआई वाला ही लिया जा रहा है, और यहां पर एससी एसटी की भी हाइट वह है, गोरखा गरवालीज है, इनकी जो हाइट 163 सेंटीमीटर है, फीमेल की 157, 152 एससी एसटी और 155 जो गोरखा गरवालीज है उनके लिए है, चेस्ट फीमेल में नहीं होता है, बाकी एससी एसटी का और गोरखा गरवालीज का चेस्ट एक्सपेंड 5 सेंटीमीटर सबका मांगता है। तो एक ये एलिजिबिलिटी है आपकी, तो जो लोग तैयारी करना चाहते हैं, देखिए बेसिकली आप सबसे पहले जो जिनका फिजिकली फिट है बच्चे जो कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, यूपी कांस्टेबल का वेट कर रहे हैं, यूपी कांस्टेबल में भी सबसे ज्यादा भर्ती आने वाली है, तो इसी कांस्टेबल के साथ अगर आपको सेंट्रल के अलाउंसेस चाहिए और सेंट्रल की जॉब प्रिफर करना चाहते हो, आप घूमना चाहते हो, एक तरह से जॉब प्रोफाइल आपकी वही रहेगी, तो कांस्टेबल में आप आरपीएफ कांस्टेबल को भी साथ साथ लेकर चल सकते हो, आरपीएफ कांस्टेबल में भी आपकी सैलरी अच्छी खासी है, साथ साथ आपको ट्रेवलिंग अलाउंसेस है, हर जगह घूमने का भी मौका आपको मिलता रहेगा, तो ये ध्यान रखिएगा। सिलेबस में कोई खासा अंतर नहीं है, जीएस यहां भी पूछा जाएगा, मैथ भी पूछा जाएगा, आपका रीजनिंग भी पूछा जाएगा, यहां पर ये 3 सब्जेक्ट होते हैं, और इसमें अगर बात करें तो जीएस होगा, हिंदी होगा, मैथ्स होगा और रीजनिंग होगा, ये सब्जेक्ट आपके क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। तो एक सिर्फ हिंदी की बात है, और उत्तर प्रदेश वालों के लिए हिंदी बिना पढ़े भी पढ़ लेते हैं, और यहां पर बाकी 3 सब्जेक्ट आपके क्या हैं, कॉमन है। तो जो लोग कांस्टेबल की भी तैयारी कर रहे हैं यूपीपी, वो आरपीएफ की भी तैयारी स्टार्ट कर ले, और जिन्हें भी तैयारी करना है आप परीक्षा प्लस ऐप इंस्टॉल कर ले, और वहां से आप यूपीपी का कोर्स वर्दी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। वर्दी बैच का मतलब ही यही है, जो आपका वर्दी बैच है ये ध्यान रखिएगा, वर्दी बैच जब तक आपका इंडिविजुअल कोई नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक ये वर्दी बैच चलाया जाए। वर्दी का मतलब चाहे वो आरपीएफ हो, चाहे कांस्टेबल हो, कोई भी हो, इसमें आरपीएफ वाले भी बच्चे और एसआई वाले बच्चे सभी एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि आपको ऑलमोस्ट उसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाएगा कि आपको वर्दी मिल जाए। तो आप परीक्षा प्लस ऐप इंस्टॉल कर लें, या live.parikshaplus.org से आप जाके सीधे वर्दी बैच से जुड़ सकते हैं। अभी ये ऑफर प्राइस में 499 में दिया जा रहा है, ठीक है। अगर कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, तो आप इन नंबरों पर कांटेक्ट करके आप पूछ सकते हैं, और कोई और समस्या है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपके समस्याओं का समाधान किया जाएगा।
ठीक है, तो चलिए इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, जबरदस्त रहिए।